चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और अहम खबरों को देख लेते हैं। पाकिस्तान में प्रताड़ना से तंग होकर हिंदू परिवार भारत में अपने रिश्तेदारों के पास आ रहे हैं। जोधपुर में सुरसागर विधानसभा क्षेत्र में काली बेरी बस्ती में पाक विस्थापितों को मूलभूत सुविधाएं भी मुहैया नहीं हो पा रही है। पाक विस्थापितों को पानी और सड़क की समस्या के अलावा शमशान घाट की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, अगले साल लोकसभा चुनाव। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने घोषणा पत्र में हमेशा पाक विस्थापितों के विकास की बात कहती हैं। विकास कितना हुआ पाक विस्थापित भी जानते हैं और राजनीतिक पार्टियां भी। आज हम पहुंचे हैं भूरी बेरी काली बेरी के बीच का जो इलाका है जहाँ पाक विस्थापितों की बस्ती है। उनकी जब समस्या सुनी हम खुद हैरान रह गए। एक ऐसे शख्स हैं उनकी आंखों में आंसू भी आ गए। समस्या ये कि एक और हम कहते हैं हिमालय का पानी पिला रहे हैं मगर पाक विस्थापितों की इस कॉलोनी में पीने को पानी भी नसीब नहीं है, सड़कें नसीब नहीं हैं। सड़क तो छोड़िए, जब इंसान मर जाता है शमशान घाट भी नसीब नहीं है। तमाम जो बस्ती के लोग हैं इस वक्त हमारे साथ हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी जब बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ भी अगर अपने वादे पर खरी नहीं उतरती है तो ये जो तस्वीर है मायूसी की तस्वीर है, हैरानी की तस्वीर है, परेशानी की तस्वीर है। एक तो पाकिस्तान में ये लोग परेशान रहते हैं और फिर यहाँ आ जाते हैं, और जब यहाँ आते हैं अपने वतन में जब छत नहीं मिलती है तो सोचिए कि कैसे थे? बात कर लेते हैं यहाँ जो परिवार के लोग हैं। सबसे पहले बताएं कि आपकी पानी संबंधी क्या समस्या है, क्यों परेशानी है? पानी सर आता है तो पूरे गांव नीची जगह में पानी चला जाता है, जो ऊंची पाइपलाइन है उसमें पानी नहीं चढ़ता। कल पानी आया सुबह 6:30 बजे से 9 बजे तक, तो उसमें भी मेरा ढोल नहीं भरा गया। ढोल अभी चल के देखो खाली पड़ा, 250 लीटर का ढोल मेरा खाली पड़ा है। उसमें हम बाल्टी लेके जाते, दूसरे घर में भर लाते, दूसरे घर में भर लाते। ये 4 गली है, 3 गलियों में कोई पानी कनेक्शन नहीं है। मॉल का पानी 500-600 का टैंकर ले आके डाल के पानी पीते हैं। सरकार हमारी सुनवाई क्यों नहीं करती? रोड नहीं है, रोड लाइट नहीं है, रास्ता नहीं है, तो हमारी सुविधा क्यों नहीं करती? हम क्या क्या खेरे कहाँ जाए? हमारी विनती यही है सड़कों वाले से, सड़कों की बात पूछो, पानी वालों के पानी की बात। अधिकारी से मिले, बातचीत करी? बातचीत लिखित रूप में सबको दिए हैं, किसी ने नहीं सुनवाई की। तो आप देखिए कि ये बूढ़ी और पथराई हुई आंखें जो नम हो गई है, समस्या है सबके लिए है, लेकिन जब समाधान नहीं होता क्या? सड़कें तो हम आए थे, सीमेंट की सड़कें बीचों बनी तो दिखाई दी थी सर। 2 सड़कें बनी हुई है, 2 से 3 सड़कें बनी हुई है, 4-5 गलियां ऐसी है वहाँ पे सड़कें नहीं बनी हुई। जोधपुर में बनी हुई सड़कें तोड़ तोड़ के नहीं बनाई जा रही है। हमारी पाक विस्थापित कॉलोनी में सरकार विकास नहीं हो रही है, सड़कें नहीं बनी है। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, उसके अलावा सड़क है, पानी है, लगभग सभी मूलभूत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। लगता है जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर मुख्यमंत्री करे तो कितना, अपनी ओर से घोषणा कर सकते हैं, आदेश जारी कर सकते हैं। मॉनिटरिंग जब करते हैं तब खाकों के अंदर बताया जाता है सब कुछ ओके, और ऐसे में जाकर के जब ये तस्वीर सामने आती है तब कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को छोड़ कर के यहाँ आए, अपने वतन में अगर छत भी नसीब नहीं हो, पानी नसीब नहीं हो, बिजली नसीब नहीं हो, शमशान नसीब नहीं हो, तो समझा जा सकता समस्या कितनी बड़ी है। सुमन सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फॉर इंडिया न्यूज़, जोधपुर।